What is up, crazy people out there? This is Abhirup. Welcome to the vlog. तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अलग होने वाला है और बेसिकली होने वाला है मेरे पेट स्नेक के ऊपर, मेरे पालतू सांप के ऊपर. हाँ जी, दिस इज इंची और ये मेरा एक पेट स्नेक है, मेरा पालतू सांप है. तो वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरी देखिए और लेट्स जस्ट जंप इनटू इट. तो पहले चालू कर दे कि ये क्या है, कौन सा सांप है और ये क्या जहरीला है, नहीं जहरीला है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, पर तो भी बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि यार एक और बार बना दीजिए और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. तो बेसिकली इंची इंची बिलोंग करता है सवाना डेजर्ट से, जो कि है अफ्रीका के अंदर. ठीक है, ये इंडिया के अंदर का स्नेक नहीं है. दिस इज नॉट नेटिव टू इंडिया. दिस इज एन बॉल पाइथन, एन अफ्रीकन बॉल पाइथन. पर ये बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशंस में आते हैं, जिसे हम बेसिकली मॉर्फ बोलते हैं. तो इसके मॉर्फ का नाम ही लेसर इंची है, तो मुझे उसका नाम अच्छा लगा तो मैंने इसका नाम इंची रख दिया था. ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मॉर्फ के. बहुत लोग पूछते कि ये काटता है क्या. तो ये सारे जो कैप्टिव ब्रीडेड स्नेक्स है वो काट सकते हैं अगर गुस्सा आएगा तो. अगर मिस हैंडल करे कोई भी एनिमल, अगर आप किसी भी एनिमल को मिस हैंडल करेंगे या ढंग से उसको रखेंगे नहीं तो वो एग्रेसिव हो सकते हैं. पर ये ऐसी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शांत, और आप देख सकते हैं मैं उसका मुंह को टच कर रहा हूँ वगैरह, इसको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है. तो हाँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. और ये हो गया है इनफैक्ट अराउंड 2.5-3 feet का. और मतलब सेकेंड क्वेश्चन लोगों का रहता है कि भाई आप इसको खिलाते क्या हो. तो मैं इसको खिलाता हूँ रोडेंट्स, वाइट रैट्स जो रहते हैं, वाइट कलर के जो चूहे रहते हैं जिसे हम लेबोरेटरी रैट्स बोलते हैं, वो मैं इसे खिलाता हूँ. बहुत बार लोग पूछते हैं क्या आप इसे लाइव फूड खिलाते हो या डेड फूड खिलाता हो. तो मुझे तो बेसिकली लाइव फूड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझे पूछते हैं अरे यार आप लाइव फूड मत खिलाया करो, आप किसी की जान ले रहे हो, ये ले रहे हो. पर प्रैक्टिकली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपने सेक को लाइव फूड दोगे तो उसका हेल्थ और उसके एक्शन, उसके मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा फास्ट रहेगा और वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसका जो हंट करने का जो ट्रिक है, जो उसकी टेंडेंसी है वो बनी रहेगी. तो मैं तो प्रेफर करता हूँ लाइव फूड देना. ठीक है, और जहाँ तक बात आती है क्रुएल्टी की, तो चिकन खाना भी बंद कर दो. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ये है बहुत लोगों का कि क्या ये सांप लीगल है इंडिया में पालना. तो अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो लॉ है वाइल्ड लाइफ का, वो लॉ ऐसा कहता है कि कुछ भी, कौन सा भी इंडियन जानवर, ठीक है, वो चाहे सांप हो या चाहे शेर हो या कुछ भी हो, अगर वो इंडिया से बिलोंग करता है तो आप उसे अपने घर में नहीं रख सकते हो, आप उसे पाल नहीं सकते, आप उसके साथ गैर व्यवहार नहीं कर सकते, आप उसको रख नहीं सकते, पेट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप इवन उसको हाथ भी नहीं लगा सकते. तो ये जो सांप है ये इंडिया का नहीं है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बोला है, ये मिलता है साउथ अफ्रीका में और ये बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बड़े पैमाने में पेट स्नेक के अंदर ब्रीड किया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन पेट स्नेक है. तो ये इंडिया में लीगल है. और बहुत लोगों का क्वेश्चनिंग रहता है क्या इस सांप का कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है. तो हाँ, इस सब चीज़ों की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है, इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. बहुत सारे लोग इसे पूछते हैं कि अरे यार इसे बॉल पाइथन क्यों बोलते हैं, क्या फुटबॉल खाता है क्या, आप इसके साथ फुटबॉल खेलते हो. मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा स्टूपिड चीज़ें लोग पूछते हैं, पर ठीक है, अभी कुछ बोल नहीं सकते. पर इसको बॉल पाइथन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये कभी कभार स्ट्रेस में आ जाता है तो ये ऐसे बॉल जैसे बन जाता है, ऐसे कुंडली मार के ये कुछ ऐसे हो जाता है. अभी तो ये बहुत ज़्यादा फ्री है, बहुत डरा नहीं है, पर ये ऐसे कुछ बॉल जैसे हो जाता है, गोल मटोल वगैरह. मूविंग ऑन फर्दर, इसके कुछ कूल और फन फैक्ट जानोगे. सारे पाइथन से ना उनके पास हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं. अभी हीट सेंसिंग पिट क्या होता है, तो इनके नाक के बाजू के, मतलब अपर लिप के लाइन में, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये बाजू में छोटे छोटे खड्डे रहते हैं. तो अभी बोलोंगे यार इनको तो एक्ने प्रोन स्किन है. नहीं नहीं नहीं, ऐसे गंदे जोक्स नहीं मारना. ये जो खड्डे रहते हैं, ये जो पिट्स रहते हैं, ये हीट सेंसर रहते हैं. मतलब अगर समझो ये पाइथन है, इसके मैं आँखों के ऊपर पट्टी भी लगा दूँ और मैं इसे अपना फूड देने को छोड़ दूँ या किसी शिकार पर छोड़ दूँ या उसके बूक, मतलब उसका जो एनक्लोजर है उसके अंदर उसका खाना जोड़ दूँ, तो वो अपने हीट सेंसिंग पिट से उसे सेंस करके वो खाने को, उसके प्रे को, जो भी उसका राइट है रोडेंट है, उसको पकड़ के उसके खा सकता है. तो ये कुछ कुदरत की दी हुई उनके पास नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, नेचुरल चीज़ें हैं. स्नेक्स जो है उनके पास कान नहीं होते. मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ वो बहरे होते हैं, सांप बहरा होता है, मेरा सांप बहरा है, सारे दुनिया के सांप बहरे होते हैं. इन्हें आँखों से क्लियर नहीं दिखता है इंसानों जैसे, अगर आप इनको कलर टीवी भी दिखाओगे तो भी इनको क्लियर नहीं दिखेगा, इनको नेगेटिव विजन्स रहते हैं. नाक बस इनको सांस लेने के लिए यूज़ होता है और बस यही.
बहुत ज़्यादा कूल स्नेक है। बेसिकली बॉल पाइथन जो है वो नॉक्टर्नल है, और जैसे हम पहले बंदर थे वैसे सांपों के पूर्वज, मतलब हमारे पूर्वज बंदर थे, वैसे सांपों के पूर्वज बड़े बड़े डायनासोर्स थे, ठीक है। तो इवोल्यूशन में धीरे धीरे डायनासोर्स के पैर निकलते गए और फिर वो कुछ इस तरह क्रॉल करने लगे। पर अभी भी मेरे सांप के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अभी भी बोल सकते हैं कि वो डायनासोर के प्रजाति का है। क्या आपको देखना है? तो मैं आपके बाजू में एक छोटा सा वो भी डाल दूंगा, एक पिक्चर भी डाल दूंगा। तो बेसिकली इनकी जो वेंट है, इनका जो एनस जो है, इनके जो वेंट बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे दो नेल्स हैं। अभी वो नेल्स किसके हैं, क्या है, वो ही मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे हम पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, वैसे स्नेक्स के पूर्वज बड़े बड़े डायनासोर्स थे। तो कुछ स्नेक्स इवॉल्व होते होते ऐसे कुछ छोटे मोटे पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे हम लोग के पास पहले पूंछ थी, फिर वो पूंछ नीचे धीरे धीरे इवोल्यूशन के बाद निकल गई। बेसिकली अभी इनका जो यूज़ है ना, वो ब्रीडिंग के टाइम यूज़ होता था। मतलब समझो एक स्नेक है, और यूजुअली पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्नेक्स रहते हैं, तो ये अपने वो नेल्स है अपनी फीमेल का टेल ऐसा थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए उस चीज़ों का हेल्प लेते हैं। और बहुत बार वो ब्रीडिंग के समय गैप भी जाता है। मैंने मेरा स्नेक एक लास्ट ईयर से ब्रीड नहीं किया है, पर हाँ, तो ये जो है इनके अंदर नेल्स रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये नेल्स वेल्स ये सब फालतू गिरी है, पर नहीं, मैंने आपको अभी दिखा दिया कि मेरे पेट स्नेक के अंदर डायनासोर्स के पुराने ज़माने के नेल्स है। इनको बेसिकली अभी लैंग्वेज में, मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में, इन्हें हम स्पोर्ट्स कहते हैं, और इनका यूज़ वही है ब्रीडिंग के सीज़न में यूज़ होना। यूजुअली मैंने अभी तक के जितने भी पाइथन्स की स्पीसीज देखे हैं उन लोग सबके पास ये नेल्स अपीयर थे। तो इससे यही साबित होता है कि पाइथन्स जो है वो बड़े बड़े डायनासोर्स के बाद से इवॉल्व होके आए हैं, और इनके पूर्वज डायनासोर्स थे। लेट मी टेल यू गाइस कि बॉल पाइथन्स जो है वो एस्केप मास्टर होते हैं। दैट मीन्स इनको आप कौन से भी एनक्लोजर में रखो, थोड़े दिन के बाद ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके ये बाहर आ जाते हैं। देखिए इस मासूम चेहरे को, ये भी एस्केप मास्टर है। ये ज़्यादा डब्बे के अंदर रहता नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ रहने के लिए। ये कभी कभार बाहर आ जाता है, घूमता है वगैरह। मेरे बेडरूम के अंदर ही सारे एनिमल्स मेरे रहते हैं, तो हाँ, ये बेडरूम के अंदर ज़्यादा घूमता है इस प्रकार का बॉल। ये बॉल की बात कर रहा था मैं, हाँ, तो इस टाइप से बॉल बनाता है और यूजुअली मेरे बेडरूम के अंदर ही घूमता है। तो यही थी छोटी सी वीडियो यार फन फैक्ट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हम लोग 200K के बहुत ज्यादा पास में है। हम लोग 170K क्रॉस कर दिए हैं सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। वाइल्ड फैम के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। फटाफट जाओ लाइक करो, शेयर करो, फैमिली को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, कुछ फन फैक्ट्स दिखाओ इसके बारे में, और नॉलेज गेन करते रहो ब्रो। हाँ, और यार हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वीडियोस के ऊपर, और नए नए वीडियोस ला रहे हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, तो आपका हक बनता है यार, आप सब्सक्राइब करके जाओ। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, हम लोग 2 मिनट रुकते हैं, सब्सक्राइब करो, करो करो करो, ओके। और अगर अभी जिन लोग ने नहीं किया तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओके, तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो वीडियो। बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम दिस इज मी एन इंची साइनिंग आउट। चला साइनिंग आउट।